Hello, students. Today, in this video, I am going to teach you the chapter 17 of class 7th science. The name of the chapter is Forests Our Lifeline. So, let's get started. First of all, you'll we'll see what is a forest. Forest is an area or a part of the land that is covered with trees and a wide variety of plants. wo area fir, ya fir wo land ka wo hissa ट्रीज एंड काफी सारे नंबर्स में पाए जाते हैं वो एरिया जो होता है वो पेड़ों से ढका हुआ है उसी एरिया को हम फॉरेस्ट कहते हैं नॉट ओनली दिस फॉरेस्ट फॉर्म अ कंप्लीट इकोसिस्टम दैट इंक्लूड्स वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एस ट्रीज शॉप्स प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स पेड़ पौधों के अलावा जंगलों में और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स एट्सट्रा दे ऑल्सो इंक्लूड नॉन लिविंग और ए बायोटिक फैक्टर जंगलों में ए बायोटिक फैक्टर और नॉन लिविंग थिंग भी मिलते हैं जैसे कि सनलाइट एयर न्यूट्री एंट वाटर एंड रॉक्स तो आप कह सकते हैं कि जंगल एक पूरे तरह एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों फैक्टर पाए जाते हैं नॉन लिविंग को हम ए बायोटिक फैक्टर बोलते हैं एंड लिविंग को बायोटिक फैक्टर बोलते हैं देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट प्रजेंट ऑन द अर्थ डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इस दुनिया में अलग अलग टाइप के जंगल पाए जाते हैं और ये डिपेंड करता है कि वहाँ जिस जगह पर ये जंगल हैं वहाँ का जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कैसा है? फॉरेस्ट सो वेरियस फॉर ह्यूमन बींग्स एज दे आर एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स जंगल हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इंसानों के लिए भी और हमारी दुनिया के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट फॉरेस्ट इन इंडिया फॉरेस्ट आर होम ऑफ न्यूमिर ऑफ प्लांट स्पीसीज They, there are different kinds of trees found in the forest such as neem, bamboo, shisham, fig, सॉल amla and teak. जंगलों में बहुत ही सारे टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं और इन पेड़ों के अलावा वहाँ पे बहुत सारे हर्ब्स श्रब्स climbers, क्रीपर्स grasses इस तरीके के पौधे भी पाए जाते हैं

नाउ वट इज़ अ कैनोपी इन द फॉरेस्ट डिफरेंट ट्रीज़ ग्रो ट ऑल टुगेदर जंगलों में काफ़ी सारे पौधे लंबे हो जाते हैं ऊंचे हो जाते हैं और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं शाखाएं होती हैं वो सारी आपस में ऊपर जाकर मिल जाती हैं और एक छत नुमा स्ट्रक्चर बना देती हैं इसी रूफ़ ऑफ़ द फॉरेस्ट को जिससे कि अंदर से बिल्कुल आसमान नहीं दिखता है क्योंकि पौधों की सारी ब्रांचेज आपस में मिल जाती हैं तो इसी रूफ़ ऑफ द फॉरेस्ट को हम कैनोपी कहते हैं यू कैन सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कैनोपी ना योक अबाउट द स्ट्रैटिफिकेशन इन फॉरेस्ट स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि जंगलों में अलग अलग स्टेप्स पर अलग अलग लेयर्स में अलग अलग टाइप के लिविंग बींग्स पाए जाते हैं और ये अ, इस तरीके की लेयरिंग होने की वजह से अ, मतलब अलग अलग जंगलों का अलग अलग पार्ट जो है वो अलग अलग जानवरों का घर होता है तो ऐसा होने से क्या होता है कि जंगलों, जंगलों में जानवरों के आ, का आपस में कंपटीशन कम हो जाता है आ, किसी जंगल में कितने लेयर्स होंगे स्टर्टिफिकेशन के ये डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट टेम्परेचर अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड रेनफॉल पर जनरली द ट्रीज ऑफ अ फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इन फॉलोइंग सेक्शंस पहला है द फॉरेस्ट फ्लोर इट कम्प्राइज ऑफ़ द शेड लीव्स स्टेम्स पार्कस एंड एंड द टॉप लेयर ऑफ़ द सॉयल जो uh, जंगलों में जो सॉइल की टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है वहाँ पे पेड़ पौधे की पत्तियों और स्टेम्स और बाग गिरी हुई होती है। उसे हैं उसे हम फॉरेस्ट फ्लोर कहते हैं सेकेंड सेक्शन है हॉब लेयर यहाँ पर हर्ब्स पाए जाते हैं सचैज ग्रासेस एंड इनकी संख्या ज़्यादातर कम होती है श्रब लेयर इसके ऊपर पाया जाता है यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम साइज पौधे पाए जाते हैं जिनको ज्यादा सनलाइट की जरूरत होती है देन द अंडर स्टोरी इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो अब द फॉरेस्ट फ्लोर बट लोअर देन द कैनोपी ये फॉरेस्ट फ्लोर के तो ऊपर होते हैं लेकिन कैनोपी से थोड़े नीचे होते हैं इनको कम अमाउंट में लाइट चाहिए होती है टू ग्रो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द कैनोपी कैनोपी जो है ट्री का क्राउन्स होता है और यह हमेशा लाइट से एक्सपोज्ड होता है ये सबसे ऊंचा लेयर होता है सेक्शन होता है फॉरेस्ट का देन इमरजेंट इट कंसिस्ट ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ट्रीज इट इज जनरली फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन दिस पिक्चर यू कैन सी द देशन इन फॉरेस्ट फॉरेस्ट हैबिटेट ऑफ मेनी काइंड Forests provide favorable environmental condition, food, and shelter to a variety of wild animals, insects, and microorganisms. The trees of the forest act as their shelter, while a variety of plants and animals are their food. Forests are a home to a variety of insects and microorganisms because the soil of the forest is highly fertile, and therefore it provides favorable living conditions such as water and nutrients to these organisms forests also support different food chains because of a complex biodiversity in the forest different organisms present on the earth are dependent on each other for instance herbivores feed on the plants and carnivores depend upon the herbivores this chain of organisms being dependent on each other for their food is called a food chain in this picture you can see how one animal is dependent on other for their food Now I'll talk about what is humus. It is a dark coloured substance found in the soil. Humus is made from dead and decaying organism. The microorganisms live upon the decaying matter and convert it to the humus. What are decomposers? Decomposers for animals, hai, jo dead and decaying plants and animals ko convert karte into humus. How nutrients are recycled in the forest? जो भी न्यूट्रिय सॉयल में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू यूज़ किए जाते हैं जब ये लोग मर जाते हैं तो उनके रिमेन्स फिर से ऑर्गेनिक मैटर में टर्न हो जाते हैं बाई द टर्न कर दिए जाते हैं बाई द डीकम्पोजर्स और ये फिर से सॉयल में मिक्सअप हो जाते हैं और फिर ये से फिर से ये रिसाइकल हो जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फॉरेस्ट वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स क्यों हम जंगलों को ग्रीन लंग्स कहते हैं क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेकअप करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं हैंस फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एंड एनिमल या इंसानों के द्वारा दी गई कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं इन दिस वे दे बैलेंस द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर That is why they are called as green lungs how forest prevent flood and soil erosion forest act as a natural absorber and allow the rain water to seep into the earth. जंगल जो है एक नेचुरल एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं और पानी जो बारिश का पानी होता है उसको अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं इसीलिए जहाँ पर जंगल होते हैं वहाँ पर वाटर टेबल जो होता है वो काफ़ी हाई होता है द फॉरेस्ट कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट फ्लड ये पानी के फ्लो को भी रोकते हैं और इस तरीके से ये बाढ़ को भी रोक सकते हैं दिस इज बिकॉज द प्लांट्स एंड ट्रीज प्रिवेंट द रेन वाटर फ्राम डायरेक्टली फ्लोइंग अवे इन दिस वे फॉरेस्ट अलाउ अ रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ वाटर टू द नियर बाई स्ट्रीम्स ऑल्सो द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड सॉइल एंड प्रिवेंट हैवी रेनफॉल ऑलवेज फ्राम फ्लोइंग इट ऑफ एंड दे ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो सॉइल को आपस में बांध कर रखती हैं और हवा और पानी के साथ उसे बहने नहीं देती हैं इस तरीके से इस सॉइल इरोजन को भी रोकती हैं हाओ फॉरेस्ट प्रिवेंट पॉल्यूशन फोस्टली फॉरेस्ट आर रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले तो फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं तो जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं वहाँ की हवा क्लीन होती है वहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा होती है फॉरेस्ट प्रिवेंट स्ट्रॉन्ग विंड्स और डस्ट फ्रॉम फ्लोइंग इन द एरिया इस तरीके से ये जंग ये जंगल जो होते हैं स्ट्रॉन्ग विंड को रोकते हैं इस तरीके से ये धूल की आधियों को भी रोकते हैं और पोल्यूशन को स्टॉप करते हैं जहाँ पर जंगल होते हैं वहाँ का क्लाइमेट जनरली कूल होता है और वहाँ पर अच्छी मात्रा में बारिश होती है द फॉरेस्ट ऑल्सो एब्जॉर्व लाउड साउंड ये ऊंची आवाजों को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और साउंड पोल्यूशन को भी प्रिवेंट करते हैं हाउ फॉरेस्ट प्रिजर्व द वाटर साइकिल वी नो दैट प्लांट्स के ट्रीट ऑफ एन एक्सेस ऑफ वाटर थ्रो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमरेशन ट्रांसपीरेशन के थ्रू पौधे अपने बॉडी से एक्सेस वो वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं और यही इवेपोरेट हुआ वाटर जो है वो आगे जाकर एटमॉस्फेयर में ऊंचाई पर जाकर क्लाउड्स बनाता है और ये क्लाउड जब कंडेंस होता है तो फिर वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होता है और फिर से रेनफॉल के फॉर्म में धरती पर वापस आ जाता है हैंस फॉरेस्ट प्रिजर्व द वाटर साइकिल नाइल टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट आर अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जंगल काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल्स का घर है जंगल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को एटमोसफेयर में रेगुलेट करता है और इसको इम्बैलेंस होने नहीं देता है प्लांट जो फॉरेस्ट होते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग को भी रोकते हैं एयर को क्लीन करके एंड बाई टेकिंग ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और ये क्या करती है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है तो जंगल के में जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करते हैं अभी हमने देखा कि जंगल जो होते हैं वो वाटर साइकिल को भी रे, रेगुलेट करते हैं ते प्रिवेंट एयर वाटर लैंड एंड नॉइज़ पल्यूशन इन सम और द अदर वे या किसी न किसी तरीके से एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन लैंड पल्यूशन एंड नॉइज पल्यूशन को रोकते हैं दे आर आ रिच सोर्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आर यूज बाई ह्यूमन बींग्स जंगलों से हमें बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं जो हम यूज़ करते हैं जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वुड रॉ मटेरियल्स फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक पेपर वुड एट्सट्रा मेडिकल प्रोडक्ट्स लैटक्स गम रेजि हनी एर वैक्स स्पाइसिस ऑयल्स बोन्स एंड फॉर हेयर यू कैन सी द फॉरेस्ट प्रोडक्ट नाउ वॉट इज एफॉरेस्टेशन जब कोई अनप्रोडक्टिव एरिया या बैरिन एरिया पर हम पेड़ पौधे उगा कर उगाते हैं तो इसे हम ए फॉरेस्टेशन कहते हैं दिस इज एफरेस्टेशन ए फॉरेस्टेशन से धरती पर जंगलों की संख्या बढ़ सकती है और इससे हमारे अर्थ का एनवायरनमेंट भी सुधर सकता है तो जिन जगहों पर जंगल नहीं है वहाँ पर अगर हम पेड़ पौधे लगाए इन अ लार्ज स्केल तो इसी प्रोसीजर को हम एफॉरेस्टेशन बोलते हैं एंड व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन डिमोलिशिंग द फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन जंगलों को काटना एक बड़े पैमाने पर इसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं ज्यादा जगह के लिए हम जंगलों को काट देते हैं हमें ओपन स्पेस चाहिए होता है फॉर सेवरल रीजन्स जैसे कि खेती करना हो बिल्डिंग्स बनानी हो रास्ते बनाने हो एट्सट्रा तो इन वजहों से हम जंगलों को काटते हैं दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन अगर हम जंगलों को काटते हैं तो इससे बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स का घर तबाह हो जाता है दे डोंट गेट द सुटेबल एनवायरनमेंट टू लिव एंड हैंस दे डाई और बिकम एक्सटिंग इवेंशुअली हैंस डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू चेंजेस इन द क्लाइमेट जंगल अगर नहीं होंगे तो हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा विदाउट एनी ट्रीज द वाटर साइकिल गेट डिस्टर्बेड एंड दाइज आउट अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी और ज़मीन बंजर हो जाएगी सूख जाएगी इट विल लीड टू इंक्रीज एयर पॉल्यूशन आपको पता है कि प्लांट्स होते हैं पॉल्यूशन को रोकते हैं तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा प्लांट्स नहीं होने की वजह से फ्लड भी पड़ेगा एंड रॉड भी आएगा ना हियर दिस इज द टाइम फॉर योर असाइनमेंट हियर आर सम क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स एंड राइट इन योर कॉपी यू हैव टू राइट ऑल द आंसर्स ऑफ़ दिस क्वेश्चन इन योर प्रैक्टिस कॉपी द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज फॉरेस्ट जंगल क्या होता है सेकेंड वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई कैनोपी कैनोपी से आप क्या समझते हैं थर्ड हाउ फॉरेस्ट प्रिजर्व द वाटर साइकिल कैसे जंगल वाटर साइकिल को प्रिजर्व करते हैं फोर्थ वॉट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट जंगलों की क्या महत्ता है एंड फिफ्थ वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफॉरेस्टेशन एंड ए फॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन और ए फॉरेस्टेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है दिस इज द लास्ट क्वेश्चन That's all for this video. Thank you.